ब्रजभूषण को लेकर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, एफआईआर चार्जशीट के बावजूद पुलिस ने नहीं किया गिरफ्तार। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को बताया निराश राजवंशी, बोले पीएम मोदी को सम्मान मिलता है तो भारत का मजाक उड़ाते हैं। सपा नेता आजम खान को 2 साल की सजा, रामपुर अदालत ने 1,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। चिराग की एनडीए में एंट्री मुमकिन, जेपी नड्डा ने 18 जुलाई की मीटिंग के लिए पासवान और मांझी को भेजा न्योता। जानबूझकर डुबाई गई दिल्ली, हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया अतिरिक्त पानी, आप नेता का गंभीर आरोप। मोदी सरनेम केस में सजा पर रोक के लिए राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख। ईडी ने निष्कासित टीएमसी नेता कुंतल घोष, शांतनु बनर्जी की कई संपत्तियां की कुर्क। उत्तराखंड में हरिद्वार में देहरादून टिहरी में भी 16 जुलाई को बारिश का रेड अलर्ट। आगरा में 2 घंटे में शौहर के बदले तेवर, दहेज में कार ना मिलने पर दिया तलाक। दिल्ली में अटल मिथिला सम्मान प्रोग्राम का हुआ आयोजन, कई जानी मानी हस्तियां हुई शामिल। बिहार भाजपा का नीतीश सरकार पर हमला, कहा जंगलराज लौटा, पार्टी कार्यकर्ता की मौत के लिए सीएम जिम्मेदार। पटवारी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप पर कांग्रेस का भोपाल में बड़ा प्रदर्शन, कमलनाथ ने किया कार्यकर्ताओं को समर्थन। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर छाएगा एमपी का बुंदेलखंड, होगी 5वीं हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट। भिलाई में दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ऑनलाइन सट्टा गिरोह का किया भंडाफोड़। रायपुर बस्तर से लेकर सरगुजा तक खुले रोजगार के नए आयाम, स्थानीय लोगों को मिल रहा है रोजगार। राजस्थान में गहलोत सरकार की योजना से नन्ही प्रिंसा को मिला जीवनदान, निःशुल्क हुआ हृदय का जटिल ऑपरेशन। मुख्यमंत्री गहलोत सार्वजनिक माफी मांग लें, अन्यथा उनकी भी उनके लीडर जैसी होगी गति, केंद्रीय मंत्री शेखावत का बयान। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की पत्नी अस्पताल में भर्ती, होगी हाथ की सर्जरी। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार, अजीत पवार की पार्टी एनसीपी को वित्त समेत मिलेंगे कई विभाग, राजभवन को भेजी लिस्ट। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को एसोसिएशन ने केंद्र से 28% जीएसटी पर दोबारा विचार करने के लिए कहा। थार समेत महिंद्रा अपनी कई गाड़ियों पर दे रहा है बम्पर डिस्काउंट, 80,000 रुपए तक बचेंगे। फ्लिपकार्ट सेल का उठा रहे लोग फायदा, गूगल पिक्सल 7 प्रो पर मिल रही है अब तक की जबरदस्त डील। यूएई में राष्ट्रपति मोहम्मद जायद ने प्रधानमंत्री की कलाई पर बांधा फ्रेंडशिप बैंड, मोदी बोले आप हर भारतीय के सच्चे दोस्त। और पाकिस्तान में पीटीआई पर लगेगा बैन, इमरान खान बोले ऐसा हुआ तो भी मेरी पार्टी जीतेगी।